हीरे के प्राकृतिक रूप से बनने की कहानी। हीरा नामक कीमती पत्थर केवल जेवरात की दुकानों के लिए ही नहीं है। इस अनोखे पत्थर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कैसे बनता है। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि यह चमकीला पत्थर कोयले की खदानों में उच्च दबाव से बनता है, लेकिन हीरे के प्राकृतिक रूप से बनने की कहानी वास्तव में कुछ अलग और ज्यादा दिलचस्प है। वैज्ञानिक जिसे विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हीरों के निर्माण की कहानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में छिपी हुई है। ये पृथ्वी की गहराई में बनते हैं और सतह के पास पहुंचा दिए जाते हैं। 98% प्राकृतिक हीरे महाद्वीपों के पुराने और सबसे मोटे हिस्सों के आधार में 150 से 200 किलोमीटर की गहराई से आते हैं। ये मैग्मा के जरिए पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी उत्सर्जन से पहुंचते हैं और किम्बलाइट जैसी चट्टानों के अंदर जम जाते हैं। बता दें कि कुछ बहुत ही दुर्लभ किस्म के हीरे 800 किलोमीटर की गहराई तक में बनते हैं, जबकि बाकी सभी कीमती पत्थर पृथ्वी अर्थ की सतह के 30 से 50 किलोमीटर की गहराई में ही निर्मित होते हैं। और इंसान अभी तक पृथ्वी की गहराई में 12 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया है। लेकिन यह जानकारी वैज्ञानिकों को हीरे के अंदर फंसे कायनाइट क्रिस्टल से मिली है, जो कई बार हीरों के बनते समय उनके अंदर ही रह जाते हैं। हीरे और उनके अंदर के पदार्थों के अध्ययन के जरिए वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि अधिकांश हीरे पृथ्वी की मेंटल परत में मौजूद कार्बन युक्त द्रव्य में विकसित होते हैं, जब वो मेंटल चट्टानों की दरारों के जरिए ऊपर की ओर आता है। इस दौरान द्रव्य में दबाव और तापमान में बदलाव की वजह से कार्बन का क्रिस्टलीकरण होता है, जिससे द्रव्य ठोस में बदलकर अंततः हीरे में बदल जाता है। इतना ही नहीं, हीरे के अंदर फंसे खनिज पदार्थ हीरे की उम्र भी बता सकते हैं। दुनिया के कई हीरों के अवलोकनों से पता चलता है कि बहुत से हीरे 1 अरब साल तक के पुराने हैं, जबकि इनकी उम्र 3.5 अरब साल से 9 करोड़ साल पहले तक की भी पाई गई है। यह एक बड़े पैमाने की भूगर्भीयकालीन परिघटना है। यहाँ तक कि पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निम्नीकरण की प्रक्रिया भी हीरे के निर्माण में योगदान हो सकता है। 660 किलोमीटर की गहराई में, जो निचले मेंटल की सीमा है, कुछ हीरों में ऐसे घटक होते हैं जो निम्नीकरण के जरिए नीचे आई प्लेटों के जरिए मेंटल में आ जाते हैं। ब्लू बोरोन बियरिंग प्रकार के हीरे इसी श्रेणी के हीरे होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें बोरोन और पानी निम्नीकृत टेक्टोनिक प्लेटों के जरिए नीचे तक पहुंचा था। इस तरह के और भी शोध हीरे के निर्माण प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं। इनमें जल चक्र, कार्बन चक्र जैसी कई प्रक्रियाएं अरबों सालों से अपना प्रभाव डाल रही हैं।